मोदी झूठ बोलते हैं और अब भी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इस स्तर तक उतर आया है मामला तो ऐसे व्यक्ति को बदल देना चाहिए। देखिए राष्ट्र जो है वो बीजेपी से भी बड़ा है, संघ से भी बड़ा है, मोदी से भी बड़ा है, नेहरू से भी बड़ा है, गांधी से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, सोनिया से भी बड़ा है। ये वो राष्ट्र नहीं है जिसके लिए भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शहादत दी है। इस्लाम तो छोड़ो, मुसलमान भी नहीं डरता इनसे। ये इस्लाम का तो क्या बिगाड़ेंगे, मुसलमान भी इनसे नहीं डरता। देख के मुझसे एड में, मैं तो सबसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन को देखता हूँ, चड्डी वाली पहनो, तौलिया ये वाला इस्तेमाल करो, सिर में तेल ये वाला लगाओ, इस दवाई के खाने से जो है, इस चीज़ के खाने से आप ऐसे मजबूत होंगे। तो मैं अमिताभ बच्चन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाऊँ क्या? चलती सड़क पर दिन दहाड़े हवाई जहाज के टायर एयरफोर्स के अंडर में से चुरा लिए जाएँ, वहाँ वो औरत तो हो सकता है जेवर चोरी ना हो, वो औरत ही जेवर से ही गायब हो जाए, फिर क्या करोगे? जो खुदा से डरता हो वो इनसे क्यों डरेगा? मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। अर्णब गोस्वामी कौन ज़्यादा बड़ा बावला है, अर्णब गोस्वामी पागल है या उसके देखने वाले पागल हैं, या वो लोग जो उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं वो पागल है? सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर के लगातार टीवी पर दो दिन से डिबेट चल रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जान की खतरा, जान का खतरा था पंजाब के अंदर। क्या ये पंजाबियत पर कलंक लगाने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, ये गंदी घटिया राजनीति हो रही है और इस स्तर की राजनीति सत्ता के लिए नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, और दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, और उन्होंने तो नाम भी आगे लेने शुरू कर दिए, कांग्रेस को जिम्मेवार बना दिया, सोनिया को, राहुल को, तो उनको कैसे पता चल गया कि जो हुआ उसके पीछे कौन कौन लोग थे, क्या क्या कर रहे थे? बड़ा मुद्दा है सर। नहीं तो ये जांच कैसे, क्या जांच पूरी हो चुकी? मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपनी ज़िंदगी कोर्ट्स में गुजारी है, उसमें सबसे मुश्किल पार्ट साजिश को साबित करना ही होता है, क्योंकि वो फेसलेस होती है और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो शब्द हैं उनसे ज़्यादा जोर से आपके कर्म बोलते हैं। तो यहाँ ये जो कर्मों का हिसाब किताब है, अगर आप एनालिसिस करेंगे इस पूरे घटना चक्र का, तो अगर जांच होगी तो इसमें एसपीजी के बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, गृह मंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके के ये सब काम हुए हैं, ये अगर सरकार ऐसे नहीं चलती जैसे दिखा रहे हैं। अगर इसे आरोप मान लिया जाए तो अगर ऐसे आरोप लगाने की वजह क्यों? बस यही तो एक चिंता का विषय है कि ये घटिया राजनीति है, और एक ऐसे से एक कांड को राष्ट्रपति, इनका प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं जान बचा के लौट आए, उनके पद एयरपोर्ट पे जब पहुंचते हैं, वहां के एयरपोर्ट तो ये एक कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से बोल, ये भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के स्तर से गिरा हुआ वक्तव्य है। और जब जेपी नड्डा ट्वीट करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री फोन ने फोन भी नहीं उठाया, तो वो भी अपने स्तर से गिरा हुआ है। वो लोग इसे इलेक्शन में राजनीति करके इलेक्शन का मुद्दा बना के कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं। कल भी मुझसे किसी ने पूछा था कि इसमें किसे लाभ होगा, तो मैंने कहा भाई देखो, इसमें इन्वॉल्व ना तो मुख्यमंत्री किसी रूप में है, ना कांग्रेस किसी रूप में है, तो उसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी पंजाब में 70+ सीट जीत रही है। रह गए बीजेपी, ये जो इस बात को कह के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो वो फ़ायदा उठा नहीं पाएगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं और अब भी झूठ बोल रहे हैं। देश की आवाज़ सुन रहा कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि चूक महत्वपूर्ण थी, उस जिसकी जाँच होनी चाहिए थी वो पुलवामा था। क्या मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है? नए साल पर जिस तरह से गलवान घाटी के जो कुछ वीडियो सामने आए, वहाँ पर चाइना के जो फोर्स है वहाँ पर गांव बसा ली है और कुछ गांव में नाम चाइना में लिख दिए गए हैं, इन तमाम मुद्दों को भटकाने की कोशिश है क्या? ये टीवी पर नहीं चल रहा है। अगर ये इस स्तर तक उतर आया है मामला तो ऐसे व्यक्ति को बदल देना चाहिए। देखिए राष्ट्र जो है वो बीजेपी से भी बड़ा है, संघ से भी बड़ा है, मोदी से भी बड़ा है, नेहरू से भी बड़ा है, गांधी से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, सोनिया से भी बड़ा है। ये वो राष्ट्र नहीं है जिसके लिए भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शहादत दी है। तो इन लोगों के इन कदमों से राष्ट्र, ये राष्ट्रघाती कदम है और इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, इन्हें हटाइए। सर लेकिन एक तरफ तो धर्म संसद भी तो लग रहा है, उसमें धर्म क्या? अगर वो जिसे जो हिंदू राष्ट्र बनाने, पहली बात तो वो संसद नहीं थी, किसी भी जमावड़े को संसद नहीं कहा जा सकता। दूसरे उसका धर्म से कोई लेना देना था? अगर हम इसे ये कहें, भगवा वस्त्र पहने साधु सन्यासी वहां पर मौजूद थे,
आप नहीं मानते उन्हें। तो अगर भगवा धर्म का वस्त्र है तो अधर्म का वस्त्र कौन सा है, रंग बताएं। फिर मेहनत का कौन सा है, सच्चाई का कौन सा है, झूठ का कौन सा है, रंगों तक मत उतर के आओ। इतना सरल मत करो कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। ना पढ़ाओ, न संविधान पढ़ाओ, न शिक्षा की तरफ को जाओ जो बाबा साहब कह गए, बस इतनी पहचान कर ले कि हाथी और नीला, इतनी जानकारी उसके लिए नेतृत्व के लिए लाभदायक होगी, उसके लिए नहीं है। ये सपना बाबा साहब का नहीं था। तो रंगों के स्तर पर उतर कर मत आओ, किसी रंग को किसी पर्टिकुलर चीज़ से जोड़ के देखना ही हमारी दूषित मानसिकता का परिचायक है। लेकिन जब वहाँ पर उस अगर धर्म संसद, आप उसको धर्म संसद नहीं कहा जा सकता, उन्हें संत भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जब वहाँ पर उग्रवादी लोग कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो देश में का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उस मन से कहा जा रहा था कि आप शस्त्र उठाइए और मुसलमानों का वध करिए, उनको मारिए, क्या वाकई मुसलमान इस देश के लिए घातक हैं? नहीं। अब आप एक बात आइए सुनिए, मुझे एक बात बताइए, चंद लोग आह्वान कर रहे हैं ना, और किस बात का, मारने के लिए। तो हिंदुस्तान की मनोवृत्ति ऐसी नहीं है, और उनके भड़काने से कोई भड़क के मारने नहीं आएगा। और इस्लाम तो छोड़ो, मुसलमान भी नहीं डरता इनसे, ये इस्लाम का तो क्या बिगाड़ेंगे, मुसलमान भी इनसे नहीं डरता। समझ गया मुसलमान, जो खुदा से डरता हो वो इनसे क्यों डरेगा, ये तो खुद ये खुद डरे हुए हैं ना। तो ये अपने आप को शोर मचा के अपनी बहादुरी को अपने आप को हौसला देते हैं, उठो मारो, उठो मारो मारो, ये अपने लिए लगा रहे नारे, अपना हौसला बना रहे, मुसलमान इनसे नहीं डरता। सर अभी आपने देखा होगा एक बुली बाई ऐप सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जाती है, और मुस्लिम महिलाएं जो थोड़ा फेमस हैं सरकार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं, वो पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। एक बुली ऐप बनाया गया जिसमें एक नीरज बिश्नोई गोस्वामी के नाम से एक लड़का गिरफ्तार किया गया है, जो उसका ऐप का मालिक था, जो ऐप बनाने वाला था, बीटेक का छात्र है। ये अपराध है, और ऐसे अपराध देश भर में बहुत होते रहते हैं। ये अपराध इस मानसिकता के साथ है, इसके पीछे कुछ लोग होंगे पैसे लगाने वाले, ऐप्स लगाने में पैसे लगते हैं, उससे कुछ मुनाफा भी आता है। तो ये बच्चे बनाना जानते हैं लेकिन बनाने के रिसोर्सेज इनके पास नहीं है, तो किसी ने पैसे लगाए होंगे, मालूम करो कि वो कौन है, अपने आप उस मानसिकता के लोग आपके हाथ आ जाएंगे। तो ये अपराध है, ज़्यादा सीरियसली इसे लीजिए मत, इसमें पुलिस अपना काम करेगी। क्या लगता है ये किसी के साजिश के तहत ये किया जा रहा है क्या? नहीं, कोई ना कोई तो पीछे है जो पैसे लगा रहा है, जो बनवा रहा है इन बच्चों से। ये कम उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं, टेक्नोलॉजी से इनका हाथ साफ करने का कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं कर सकते थे ऐसी ऐप बनाने के लिए। अगर ये किसी लायक होते तो कहीं विदेशों में, कहीं अच्छी कंपनी वंपनी में होते, वहाँ पे इनका अच्छा पैकेज होता है। तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और जो करने वाला है कि जो इनका इस्तेमाल कर रहा है उसको जांच में ये पकड़ लें तो हो जाएगा काम पूरा। पर ये एक अपराध है, एक अपराध को इतनी सीरियसली ना लेके हम आउट ऑफ वेट कर देते हैं हर चीज़ को। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके ऊपर पूरा राष्ट्र इतना ध्यान लगाए। एक तरफ आर भारत जो रिपब्लिक भारत चैनल है कह रहा है कि देश पूछता है, भारत पूछता है कि प्रधानमंत्री के काफिले में सेंधमारी कैसे हुई। मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, अर्णब गोस्वामी। कौन ज्यादा बड़ा बावला है, अर्णब गोस्वामी पागल है या उसके देखने वाले पागल हैं, या वो लोग जो उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं वो पागल है? आपके लिए वाइट हो सकती है, आप मुझे मुझसे उसके ऊपर क्यों कमेंट करने के लिए करें? भाई सीरियस लेने की कौन सी, सीरियसली उसको लेना चाहिए एजेंसीज को, पुलिस को, कि वो ऐसे काम ना, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज को, कि ये जो वो कर रहा है उसे पत्रकारिता के नाम पे अगर वो मान्यता दे रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों को मान्यता दे देनी चाहिए, अगर इसे भी पत्रकारिता कह के मान्यता दी गई है तो। देश भर में कई कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है चुनाव है तो क्या बॉर्डर पर कुछ तनाव होगा, देश में कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे? आपका ये सवाल कहाँ से जन्म ले रहा है? पिछले कुछ इलेक्शनों से जुड़ी हुई ऐसी घटनाओं से, जबकि ऐसी घटनाएं होती रहीं और उनकी जांच वांच और उनसे इलेक्शन प्रभावित होते रहे। अब आपको भी ये भी दिख रहा है कि यूपी का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको ये भी दिख रहा है कि इनकी अपनी पुरानी तरीके अपनाएंगे,
तो हम दुआ ही कर सकते हैं, जब आपने समझ लिया, हम सबने समझ लिया कि ये कोई पुरानी ऐसी तरकीब, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो खुलेगा, इनका भेद ही खुलेगा। क्योंकि खुद की सुरक्षा का सवाल उठा देना पंजाब जाकर के, ये भी एक चिंता का विषय है। जब ऐसे हालात जब पैदा होंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है? मानसिकता, गुजरात मानसिकता है उनकी, और उन्हें कैसे सुरक्षा का खतरा हो गया और उसका किस तरीके से उन्होंने रोना ढोना सियापा महामृत्युंजय जाप ये वो, इनकी नौटंकी भी अब भी अगर देश की समझ में नहीं आ रही तो अब समझ में हमारे आने लगा कि हमारी 1000 साल की गुलामी क्यों थी। हम ना अपनों को पहचान पाते, ना परायों को पहचान पाते, राजनीतिक किरदार की हमें पहचान नहीं होती, सच झूठ की हमें पहचान नहीं होती, कमजोरियां हम में हैं, हम अनाज के लिए, हम रोटी के लिए, शराब के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए राजा तय कर देते हैं, फिर राजा अपनी मर्जी से ही तो चलेगा। तो लेकिन दिखाया जा रहा टीवी पे फर्क साफ है, 2017 से पहले लोगों की चैन स्नैच होती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी, अब फर्क साफ है 2017 से पहले 2017 के बाद। आप टीवी पर ऐड देख रहे होंगे लगातार, दिखाया जा रहा है। मैं ऐड देख के, मुझसे ऐड में मैं तो सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन को देखता हूँ, चड्डी वाली पहनो, तौलिया ये वाला इस्तेमाल करो, सिर में तेल ये वाला लगाओ, इस दवाई के खाने से जो है, इस चीज़ के खाने से आप ऐसे मजबूत होंगे, तो मैं अमिताभ बच्चन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाऊं क्या? हकीकत ये है कि जब यूपी के अंदर ये घोषणा हो रही थी कि भाई कोई भी औरत रात को 12 बजे भी जेवर पहन के अगर कहीं निकल कर जाती है तो वो सुरक्षित है, उसी टाइम पे ये हुआ कि एयरफोर्स का एक ट्रक जो है वो टायर लेके हवाई जहाज के और जा रहा था, वो जाम में फंस गया, तो उसके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें से लोगों ने उतर के और हवाई जहाज के टायर चुरा लिए। तो जब जिस राज्य में चलती सड़क पर दिन दहाड़े हवाई जहाज के टायर एयरफोर्स के अंडर में से चुरा लिए जाएं, वहाँ वो औरत, तो हो सकता है जेवर चोरी ना हो, वो औरत ही जेवर से ही गायब हो जाए, फिर क्या करोगे आप? तो ये तो सब कहने सुनने की बातें हैं, पर ऐड को इतनी सीरियसली मत लिया करिए। बदलाव होगा क्या उत्तर प्रदेश में? सरकार तो बदलेगी, बाकी क्या बदलता है ये देखेंगे।